असलम दिए लर्नर्स पोटेंशियल ऑनटिप न्यूज़ एंड ऑन टिप न्यूज़ वेलकम इन द वीडियो ऑनटिप न्यूज़ ख़ास तौर पर पाकिस्तानी ऑनटप न्यूज़ आपसे एक ही गिला किया जाता है और वो ये कि आप ब्रांड नहीं बनाते पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस शहर के अंदर आप सभी जानते हैं जितने भी इंटरनेशनल बेस्ट ब्रांड्स हैं मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर स्टिच हो रहे होते हैं उनका फैब्रिक यहाँ तक यहीं से जो है ना वो अरेंज हो रहा होता है बट ब्रांड कोई और लग रहा है अगर कोई एक कंपनी कोई एक फॉर्म कोई एक शहर इस काबिल है कि वो इंतहाई बेहतरीन क्वालिटी की टी शर्ट बना सके और उसकी स्टिचिंग और उसका डिज़ाइन इतना बेहतरीन हो कि वो इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत हाई प्राइस पर बिक सके तो वो फॉर्म अपने ब्रांड क्यों नहीं बनाते दैट इज अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन और यही एजेंडा है इस वीडियो का कि ब्रांड क्या है योर बिजनेस आइडेंटिटी अच्छा ब्रांड पर अब फ़िलहाल तो सिर्फ हम एक ही वीडियो बना पा रहे हैं लेकिन ये एक टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको जितना ज़्यादा आप स्टडी कर सकें आप करें बीग एन आउट क्योंकि ये एक इंतहाई अहम टॉपिक है ये पहचान है आपके बिज़नेस की और अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट हमने ये कहा था कि जितने भी स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं और ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करूँ तो गिला शिकवा यही किया जाता है कि पाकिस्तान में जो ऑनटन हैं दे आर है केपेबल इनाफ कि वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स अपनी डिज़ाइन कर सकें लेकिन वो अपना ब्रांड इस्टेब्लिश नहीं करता है ब्रांड है क्या बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या है इनवेस्टोपीडिया डॉट कॉम के ऊपर मुझे एक बहुत अच्छी डेफिनेशन मेरी ब्रांड की जो तो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि ब्रांड क्या है इज एन आइडेंटिफाइंग सिम्बल मार्क लोगो नेम वर्ड सेंटेंसेस देर अ कंपनी यूज टू डिस्टिंग्विश देर प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर्स यानी ब्रांड यूजली हमारे जन में आता है कि ब्रांड सिर्फ नाम होता है ब्रांड सिर्फ नाम नहीं होता ब्रांड के मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं ब्रांड के मल्टीपल एलिमेंट्स में सिम्बल्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं लोगो uh, भी इस्तेमाल होता है कोई माख कोई नाम कोई कलर फॉर्न स्टाइल ये तमाम को, uh, जिसे कहते हैं कोई टैग यहाँ तक के अब तो म्यूज़िक भी कुछ सर्टेन ऐसे म्यूजिक का हमारे कानों में आते हैं तो हम फोन कहते हैं कि ये फ्लाप ब्रांड की एडवर्टीजमेंट चल रही है सो so, ये क्या है बेसिकली ब्रांड uh, क्या uh, आपको हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करता है आपको डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम योर कंपेरिटर कस्टमर के जहन में आपकी एक पहचान बिठाता है आपकी एक आइडेंटिटी बिठाता है ब्रांड सो इसलिए ब्रांड बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और अगेन हमने कहा था कि ब्रांड क्या है आपके बिजनेस की आइडेंटिटी इसी ब्रांड को जब आप लीगल प्रोटेक्शन दे देते हैं तो आपका ट्रेडमार्क भी बन जाता है हमने देखा पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे खासतौर पर फूड इंडस्ट्री में अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी तो आपको खुद समझ आ जाएगी बहुत से ऐसे नाम जो बहुत बहुत सालों से चल रहे थे और उन्होंने लिखा होता है अल मशहूर और उसके बाद जो भी वो चीज़ बेच रहे हैं वो बिरयानी बेच रहे हैं वो कुल्फी बेच रहे हैं वो कुछ भी बेच रहे हैं वो मिठाई बेच रहे हैं लेकिन अपने भोलपन के अंदर उन्होंने अपने ब्रांड्स को जाके रजिस्टर नहीं कराया अपने ट्रेड मार्क्स को रजिस्टर नहीं करवाया क्या नुकसान हुआ कोई और आया उसने अपना रजिस्टर करवा लिया सेम वही ब्रांड और उसके बाद उसने कहा कि अब इस ब्रांड के साथ चीज़ मैं बेच हमने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स देखी कि ब्रांड किसी और ने इस्टेबलिश किया लोगों को किसी और पे अहतमाद हो गया और फिर आने वाले ने सिर्फ लीगल जिसे कहते हैं एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए उस ब्रांड को ना सिर्फ चुराया बल्कि कस्टमर है हमें तो मालूम नहीं है कि पीछे कौन बेच रहा है चीज़ तो हम तो सिर्फ ब्रांड के नाम को जानते हैं तो उन्होंने वो ब्रांड चुराया और उसके बाद वो चीज़ें बेचना शुरू कर दी सो so ब्रांड इतनी अहम पहचान होती है अब लोग ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं अब कस्टमर भी बहुत ब्रांड कॉन्शियस हो गया अब बिजनेसमैन भी बहुत ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं नाउ दे आर रियलाइजिंग द ब्रांड पावर अब लोग जब भी बात करते हैं तो वो अपने जिसे कहते हैं मिसाल के तौर पर हम सूटिंग की बात करते हैं तो अपनी सूटिंग में सबसे पहले वो कलर या फैब्रिक या कट्स या डिज़ाइन नहीं बताते सबसे पहले वो ये बताते हैं कि उन्होंने किस ब्रांड की सूटिंग जो है वो पहनी हुई है वहीं से ऑटोमेटिकली सामने वाला समझ जाता है नंबर वन इसने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं तो अमीर भी होगा नंबर टू इसने फिलहाल ब्रांड के कपड़े पहने इसका मतलब है कि ब्रांड कॉन्शियस के साथ साथ क्वालिटी कॉन्शियस भी है खुश लिबास भी है नंबर थ्री हम साथ ही कह देते हैं कि नहीं जो पहना है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का भी होगा सिर्फ़ उसने ब्रांड का नाम लिया है और सी हमने कितनी ढेर सारी चीज़ें अपने जहन में ऑलरेडी बना ली हैं लाइक वाइज अगर हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं और हमें कोई फिल फॉर ही कह दे कि ये वहाँ की अलमशहर बिरयानी है ये वहाँ के अलमशहर फूड आइटम है या किसी एक ख़ास शहर की मछली है तो फॉल फॉर हमारे जहन में बन जाता है कि ये बहुत अच्छी भी होगी टेंडर भी होगी टेस्टी भी होगी इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात कर लें जो तो पाकिस्तान में बन रहे हैं ठीक है सो so, हम फिल फॉर कहते हैं कि ये एक सर्टन ब्रांड की टी शर्ट है या सर्टन ब्रांड के जॉगर्स हैं या सर्टन ब्रांड के मोजे हैं या सर्टन ब्रांड की जीन्स हैं तो इसके कट्स बहुत बेहतरीन होंगे इसका फैब्रिक बहुत बेहतरीन होगा इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत बेहतरीन होगा ये ड्यूरेबल होगा ये फैशन के मुताबिक होगा ये ट्रेंडी होगा सिर्फ ब्रांड का नाम लिया और जहन में ढेरों ढेर इमेजेस बन गए दिस इज द पावर ऑफ द ब्रांड क्या आपने अपना ब्रांड डिवेलप किया है अगेन okay. अच्छा ब्रांड में जब हमने कहा था कि ब्रांड में सब कुछ होता है हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्रांड के आप और भी मल्टीपल एग्जाम्पल्स देखिएगा जैसे मैंने कहा कि ब्रांड में क्या होता है ब्रांड में फोंट है कोई वर्ड है आ, कोई कलर है जिस तरह मिसाल के तौर पर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ब्रांड को देखते हैं तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ब्रांड में आपको क्या क्या चीज़ें नजर आती हैं सबसे पहले तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कलर बहुत प्रोमिनेंट है इट्स ब्लू ठीक है ब्लू का भी कौन सा शेड है जब जब ब्रांड डेवलपमेंट हो रही होती है तो फिर इस हद तक हम कॉन्शियस हो रहे होते हैं लाइकवाइज इसके अंदर अगर वी यू लिखा है तो वो किस तरह से किस डिज़ाइन में लिखा जाएगा इसमें फॉन्ट क्या इस्तेमाल होगा इसी तरह नीचे अगर कोई टैगलाइन है तो क्या होगी इसके साथ कोई म्यूजिक अटैच करना है तो क्या होगा लाइक uh, वाइज इसके साथ अक्सर लिखा जाता होता है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एट यू डोर स्टैप अक्सर नीचे इसके साथ एक लाइन आ जाती है वो भी एक प्रोमिनेंट लाइन है जैसे ही हम पढ़ते हैं द वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एट यू डोर स्टैप हमारे जहन में फिर फौर आता है कि मे बी बिकॉज इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट एट द डोर स्टेप सो मे बी दिस इज़ द वर्चुअल यूनिवर्सिटी सो एक ब्रांड का इमेज अगर आपके सामने रखें तो बाकी कहानी बिंग कस्टमर आप सारी खुद सुना देते हैं जैसा कि हमने कहा कि ब्रांड आपका बिसन, आपकी बिजनेस आइडेंटिटी होती है ब्रांड आइडेंटिटी क्या है बेसिकली ब्रांड आइडेंटिटी को बिग एन ऑनटरप्रोर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ख़ास तौर पर वो ऑनटरप्रोर्स जिन्होंने अपना कारोबार तो चला दिया हुआ है लेकिन अभी ब्रांड स्टेबलिश नहीं किया हुआ इन्वेस्टोपीडिया डॉट कॉम पर अगेन बहुत अच्छी मुझे डेफिनेशन मिली जो तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रांड आइडेंटिटी इज द विजिबल एलिमेंट्स ऑफ अ ब्रांड सच एज कलर डिजाइन म्यूजिक लोगो दैट आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग ब्रांड इन द कस्टमर्स माइंड ये ब्रांड आइडेंटिटी है आपके ठीक है ये ब्रांड भी है और ब्रांड आइडेंटिटी भी है आपकी आपका ब्रांड जिस तरह से वो लिखा हुआ है जिस टाइल से वो लिखा हुआ है यहाँ तक के नाम भी आपने देखा होगा हम अक्सर जिस तरह ब्रांड को एक्सप्लेन किया जाए अगर आप इस्लामिक बैंकिंग की बात करेंगे तो उसके इर्द गिर्द जितना भी आप कलर उसका डिज़ाइन जो स्ट्रक्चर देखेंगे वो पुराने स्ट्रक्चर्स uh, होंगे इस्लामिक स्ट्रक्चर्स होंगे ठीक है इस्लामिक आर्ट से रिलेटेड होंगे और उन्होंने लिखा बड़े अरबिक स्टाइल में होगा क्या है इट्स जैसे ही कस्टमर दूर से भी देखेगा तो फिर फॉर पहचान लेगा कि मे बी ये इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांच है अब आ जाते हैं कि ब्रांड इम्पोर्टेंट क्यों हैं हम आपसे बींग एन ऑनटरप्रन्य जितने भी रिसर्चर्स हैं वो आपसे गिला क्यों करते हैं कि अपना ब्रांड क्यों नहीं बनाते उसकी वजुहत क्या है उसके रीजंस क्या हैं नंबर वन सबसे पहले तो बात जो हम बार बार किए जा रहे हैं आपका ब्रांड आपके बिजनेस की आइडेंटिटी है अगर आपने वो टॉपिक सुना है जिसमें हमने कहा कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसट प्रामिस क्या होते हैं यानी अगर आपका बिजनेस है और आपने बिजनेस के अंदर अब एक पेज के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन या सर्विस की स्पेसिफिकेशन लिखी भी हुई है लेकिन कुछ इम्प्लिसिट प्राम होते हैं जैसे ही आप ब्रांड लगाते हैं बींग uh, कस्टमर में अपनी अगर बात करूँ तो मैं समझती हूँ कि आप एक सीरियस बिजनेसमैन है तो so, आपने प्रोडक्ट के अंदर भी वो सीरियसनेस रिफ्लेक्ट की होगी क्वालिटी के बारे में आप कॉन्शियस होंगे जिस तरह हम अक्सर यूजली क्या कहते हैं इट्स अ ब्रांडेड प्रोडक्ट हम क्वालिटी एक्सप्लेन करना चाह रहे होते हैं फिर उसके बाद अगेन ये एक रेकग्निशन देता है आपको मार्केट के अंदर एक कस्टमर का ट्रस्ट आपके साथ डेवलप होता है एक रिलेशनशिप आपके साथ डेवलप होता है और ये एक इम्प्लिस क्वालिटी प्रॉमिस होता है कस्टमर के साथ अगर आप अपने प्रोडक्ट को एक्चुअली में आप अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे होते हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट है ये मैंने अपना लेबल लगाया है ये मेरा नाम सो so आप अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे होते हैं प्रोडक्ट के उपर, अपनी के ऊपर ऊपर अपने बिजनेस कस्टमर लॉयल्टी भी आती है आपने अक्सर देखा होगा बहुत से कस्टमर एक खास मखसूस ब्रांड का बैग लिए लिए फिरते हैं वो चाहे उसके अंदर उन्होंने उस वक्त शॉपिंग की हो या ना की हो बट दे प्रेफर कि वो एक खास ब्रांड का बैग लिए फिरें मार्केट के अंदर ताकि लोगों को पता चले कि उन्होंने एक अच्छे ब्रांड की शॉप से जो है वो शॉपिंग की है चाहे शॉपिंग उसमें कोई और ही क्यों ना हो सो लाइक वाइज आप, आप, आप जब एक ब्रांड इस्तेमाल करते हैं और उससे सेटिसफाई होते हैं तो आप वही ब्रांड दूसरे लोगों को भी रेफ़र कर रहे होते हैं तो आप पूरी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं बता रहे होते आप क्या बता रहे होते हैं सिर्फ नाम मैंने फ्ला ब्रांड का या पॉइंटर या फ ब्रांड का लैपटॉप यूज़ किया है बहुत अच्छा है आप भी यूज़ करें सो so, आप पूरी स्पेसिफिकेशन सुनाने के बजाय सिर्फ ब्रांड का नाम लेते हैं और आपका जो साथी है जिसको आपने रिकमेंड किया है वो मार्केट में जाता है और उस ब्रांड को सर्च करता है और अगेन इट्स ए लॉयल्टी आप भी सटिसफाई हुए आपने रिकमेंड किया कोई और सेटिसफाई है उसने रिकमेंड किया uh, या फिर अगेन वही बात आ जाती है आम फहम जबान में हम देखें हम जैसे कहते हैं हमारे uh, मोहल्ले में एक दुकान खुली है नाम क्या है तो हम सबसे पहले नाम पूछते हैं सो इट्स ब्रिंग्स द आइडेंटिटी द लॉयल्टी एंड द रिलेशनशिप कस्टमर्स को भी नए कस्टमर्स को भी जिसे कहते हैं अगर आपने अभी तक अपना ब्रांड नहीं किया अपने प्रोडक्ट को तो नए कस्टमर्स खाली बिरयानी डिब्बे में पैक करके बेचेंगे कोई नहीं खरीदेगा जब तक कि आपने उसके ऊपर अपना नाम नहीं लगा लगाया होगा सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू इंक्रीज योर कस्टमर बेस यू नीड टू जनरेट न्यू कस्टमर्स तब भी आपको अपनी ब्रांड को आगे रखना पड़ेगा अपनी रिकग्नेशन को आगे रखना पड़ेगा मार्केट में कस्टमर्स में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और खास तौर पर आपको एक एज मिलता है अगर आप अपना ब्रांड डेवलप करने में कामयाब हो गए हैं मैं बार बार कही जा रही हूँ एक ही एग्जाम्पल क्योंकि हम बहुत से ब्रांड्स का नाम नहीं ले सकते यहाँ पे कि आप अच्छी तरह जानते हैं बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में आए उन्होंने अपनी धाक बिठाई अपनी क्वालिटी जो है उसको पहले तो क्वालिटी के थ्रू बाद में अब सिर्फ उनका जैसे हम कहते हैं ना नाम ही काफ़ी है तो अब उनका नाम ही काफी है सिर्फ तो ब्रांड का नाम बताया जाता है और लोग जाते हैं और चीज़ खरीद के ले आते हैं ब्रांड की कुछ स्ट्रेटजीज हैं और ये स्ट्रेटजीज उन ऑनटरप्रनोर्स के लिए जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं उनके लिए ज़्यादा क्रिटिकल हैं ब्रांड स्ट्रेटजीज जो हैं वो क्या है मिसाल के तौर पे आप के पास हम दो ऑप्शन ले लेते हैं या तो आप अपना एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम इस्तेमाल करना चाहते हैं या नया ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं और आपके पास जो प्रोडक्ट कैटेगरी है या वो एग्जिस्टिंग है या आप नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मिसाल के तौर पर अगर आपकी प्रोडक्ट uh, भी एग्जिस्टिंग है और आप अपना फिलहाल जो अपना ब्रांड का जो uh, जो नाम है वही सेम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन बहुत सादे एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ आप जूस लेने के लिए जाते हैं तो आपसे क्या पूछा जाता है आपने कौन सा जूस पीना है कौन सा फ्लेवर पीना है आपके पास 10-15 डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं आप उनमें से कोई एक ऑप्शन ले लेते हैं इट्स कॉल्ड ब्रांड एक्सटेंशन पहले आप सिर्फ चार या पांच फ्लेवर्स ऑफर कर रहे थे आज आप ढेरों ढेर फ्लेवर ऑफर कर रहे हैं लेकिन ब्रांड का नाम चेंज नहीं हो रहा दिस इज़ प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन अगेन दूसरी बात आ जाती है कि जिसमें हम बात करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट आप, आप नई लॉन्च करना चाह रहे हैं लेकिन ब्रांड नेम अपना चेंज नहीं करना चाह रहे अब आप चाहे आ, मिसाल के तौर पर अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं तो आप एक रेस्टोरेंट के छत तले आप आ, जिसे कहते हैं फास्ट फूड से लेकर देसी फूड से लेकर इटालियन uh, फूड से लेकर कुछ भी बेचना चाहें जितनी मर्जी नई प्रोडक्ट्स रखते जाएं लेकिन नाम आपने एक ही इस्तेमाल करना है इस ब्रांड एक्सटेंशन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा लोकल लीडिंग ब्रांड चाहे वो बेकरी में जा रहे हैं चाहे वो क्रॉकरी uh, uh, में जा रहे हैं चाहे वो फर्नीचर में जा रहे हैं चाहे वो इवेंट मैनेजमेंट में जा रहे हैं नाम अपना एक ही इस्तेमाल करते हैं इट्स कॉल्ड ब्रांड एक्सटेंशन जिसमें आप सेम ब्रांड इस्तेमाल करते हैं लेकिन नई नई प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते चले जाते हैं फिर हम बात करते हैं मल्टीपल ब्रांडिंग की मल्टीपल ब्रांडिंग बेसिकली है क्या मल्टीपल ब्रांडिंग आपने ज़्यादातर जो बड़ी लार्ज फॉर्म्स हैं उनकी देखी होंगी आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा मल्टीपल ब्रांडिंग क्या है मल्टीपल ब्रांडिंग ये होती है कि प्रोडक्ट सेम ही होती है मिसाल के तौर पर एक लार्ज कॉरपोरेशन है वो पाँच मुख्तलिफ तरह के शैम्पूस बना रही है हर एक का ब्रांड मुख्तलिफ है प्रोडक्ट कैटेगरी सेम है दे आर प्रोड्यूसिंग दे आर मैन्युफैक्चरिंग शैम्पू बट हर शैम्पू का नाम ही अलग है ठीक है सो so बहुत बड़ी लार्ज जो है उसमें आपने देखा होगा जिनके पास बिजनेस यूनिट्स होते हैं अलग अलग सर्फ बना रहे हैं और एक ही तरह की कैटेगरी है थोड़ी क्वालिटी कम थोड़ी क्वालिटी बेहतर थोड़ा खुशबू ज्यादा थोड़ी खुशबू कम बना वो कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट ही रहे हैं बट मुख्त ब्रांड नेम्स के साथ इस कॉल मल्टीपल ब्रांडिंग अच्छा फिर अब आ जाते हैं कि आपका प्रोडक्ट uh, भी नहीं है और आपकी uh, जिसे कहते हैं आप ब्रांड नेम भी नया लगाना चाह रहे हैं तो उसमें ये होता है कि आप नया ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं नई प्रोडक्ट विद अ न्यू ब्रांड ठीक है uh, ये कब किया जाता है ये बहुत अहम है न्यू uh, प्रोडक्ट uh, अगर आप लेकर आ रहे हैं तो यहाँ तो आप पहली दफ़ा अपने प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं या फिर बाकत यह होता है कि आपका ब्रांड नेम मार्केट में इतना ज़्यादा uh, कामयाब नहीं होता और आपको लगता है वो फेड हो रहा है और आप नई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो उस नई प्रोडक्ट के ऊपर अगर अपना ब्रांड लगाएंगे तो वो उसको नुकसान पहुंचाएगा तो आप फिर नई प्रोडक्ट नए ब्रांड के साथ लेकर आते हैं ब्रांड चेंज करना आसान नहीं है क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी होती है कस्टमर्स के जहनों में आपका कलर ब्रांड का म्यूज़िक उसका लोगो उसका साइज फॉन्ट स्टाइल सब जहनों में बैठ गया होता है आप बार बार ब्रांड को चेंज करेंगे तो कस्टमर को कंफ्यूज कर देंगे